You're watching Tag TV. जय हिंद दोस्तों, पिछले कुछ दिन से आप लोगों से संवाद नहीं कर पा रहा क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसकी वजह से काफी समय जा रहा है बतौर मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता टीवी चैनलों पर। और जो स्थिति है देखता अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं लेकिन जब तक इस देश का लोकतंत्र है, जब तक इस देश का संविधान है, तब तक ही इस देश का राजनीतिक तंत्र भी चलेगा, तब तक ही इस देश का कानून का तंत्र भी चलेगा और तब तक ही इस देश की इज्जत भी रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, बड़ा शुद्ध होकर कह रहा हूं मैं कि एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि क्या एक मुख्यमंत्री खुलेआम सफेद झूठ बोलता है? क्या एक मुख्यमंत्री जो राज्यपाल का आदेश होता है उसको इग्नोर करने के लिए सभापति के ऊपर डाल देता है? क्या एक मुख्यमंत्री जो अपने कुनबे को नहीं संभाल सकता, जिसे परेशान होकर, जिससे त्रस्त आकर उसी के विधायक उसको उसके साथ से पलायन करते हैं, वह दूसरों के ऊपर अपहरण का बंदी बनाने का आरोप लगा सकता है? क्या एक मुख्यमंत्री जो इतनी सारी शक्तियां लेकर बैठता है, जो प्रोटोकॉल भी जिसके पास है, जिसके पास सिक्योरिटी भी है, क्या यह कह के बच सकता है कि मेरे विधायकों को तो विपक्ष ले गया और हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और खुद जाकर उनको बचा नहीं सकता अगर सच हो तो? ये सब हो रहा है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक संकट से ज्यादा संवैधानिक संकट है। कुछ देर पहले भी मैंने आपसे बात की थी लेकिन मुझे लगता है कि नेटवर्क कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। दोस्तों, जिस दिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी थी 114 विधायकों के सपोर्ट से और बाहर के विधायक निर्दलीय एसपी बीएसपी के विधायकों का जोड़ तोड़ करके सरकार बनी थी, अल्पमत की सरकार, और उस अल्पमत की सरकार में से कांग्रेस के 23 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया अलग अलग वजहों से, जिसमें एक प्रमुख वजह थी कि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के बीच में जो समस्याएं थी, उनको आदर सम्मान नहीं मिल रहा था, उनकी उपेक्षा हो रही थी, वादा खिलाफियां की जा रही थी, उसके कारण वे भी क्षुब्ध थे। और फाइनली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे पास आ गए, बीजेपी की सदस्यता ले ली और उनके समर्थक जो 22 विधायक थे वे बेंगलोर चले गए क्योंकि उनको संकट लग रहा था अपने आप के जीवन का, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पथराव हो सकता है, जब संजय पाठक जैसे बड़े बिजनेसमैन पर जानलेवा हमला हो सकता है तो हर कोई डरता है अपने प्राणों के लिए। उस पर आक्षेप यह लगाया गया कि इनको तो बंदी बना रखा है बीजेपी ने, इनको अपहरण करके ले गए हैं बेंगलुरु, और चूंकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है येडियुरप्पा जी की, इसलिए वहां ले गए हैं आज। परंतु उन सभी विधायकों ने, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की, एक साथ आए, प्रेस वार्ता की, सभी उत्तर दिए मेनस्ट्रीम मीडिया को और सबकी एक ही बात थी कि जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा हो रही थी, जिस प्रकार से उनके क्षेत्र की उपेक्षा हो रही थी, मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के नहीं, इन सब चीजों के कारण, वादा खिलाफियों के कारण वे क्षुब्ध होकर, उनका मन कांग्रेस से अलग होकर वे बेंगलोर जाके बैठ गए। और जब उनमें से एक से पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला अभी पक्का नहीं, हम विचार करेंगे। विधायकों का मीडिया के समक्ष आना, उनका साफ कहना कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में विचार करेंगे, अभी कुछ हमने निर्णय नहीं लिया है, यह सिद्ध करता है कि वे अपनी मर्जी से गए। और एक बात बताइए, 6 कैबिनेट मंत्री को कोई अपहरण कर सकता है?
22 विधायकों का कोई अपहरण कर सकता है? यदि कैबिनेट मंत्री का अपहरण हो सकता है तो फिर तो निकम्मी सरकार थी मध्य प्रदेश की, उसको तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी यही कहता रहा कि कमलनाथ जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया प्रेसिडेंट भी हैं। और जो अध्यक्ष होता है किसी भी दल का, वह गार्जियन होता है अपने विधायक अपने कार्यकर्ताओं का। यदि किसी पिता को पता चले कि उसके बच्चे को बंदी बना रखा है, वो भी सर्वशक्तिशाली पिता अपने सूबे का, मुख्यमंत्री जो होता है अपने प्रांत में तो सर्वशक्तिशाली होता है, तो क्या वह अपने पूरे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी को लेकर उस बच्चे को बंधन से छुड़ाने नहीं जाएगा? लेकिन सच तो यह है कि वे विधायक इनसे क्षुब्ध होकर, इनसे रुष्ट होकर, इनकी वादा खिलाफियों से परेशान होकर गए हैं, उनका मन इनसे हट चुका है और वो आने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते, इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इसलिए ये नहीं गए। वरना एक मुख्यमंत्री यदि अपने प्रोटोकॉल और अपनी सिक्योरिटी को लेकर चला जाए बेंगलुरु या हिंदुस्तान में कहीं भी, तो उसको क्या खतरा हो सकता है? परंतु सफेद झूठ बोला जा रहा है। विधायकों की मीडिया वार्ता के उपरांत भी यही दोहराया जा रहा है कि उनको बंधक बना रखा है। एक मुख्यमंत्री बार बार एक और झूठ बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं भाजपा का मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मतलब पार्टी का मुंह हूं, और हम स्पष्ट कहते हैं, हमारे नेता स्पष्ट कहते हैं कि हम किसी प्रकार का भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिए हैं। आदेश जो था वह राज्यपाल महोदय का था और सभापति को नहीं था, मुख्यमंत्री महोदय को था कि आप सदन की पटल पर अपने नंबर प्रूव करें, प्रूव योरसेल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन बड़ी चतुराई से कुटिलता के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने जो पत्राचार किया उसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यह सब तो सभापति जी कर रहे हैं, उनको करना है, मेरा कोई लेना देना नहीं सदन की कार्रवाई से। बिल्कुल झूठ बात है। जो सरकार होती है वह कार्य योजना बनाती है सदन में क्या क्या कार्य होगा और उसका निष्पादन करते हैं सभापति। और दूसरी बात, सभापति को तो पत्र लिखा ही नहीं था, क्योंकि सभापति खुद अपने आप में एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। पत्र राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को लिखा था और राज्यपाल को पूरा अधिकार है सरकार को ऐसे विषयों पर आदेश देने का, राज्यपाल के आदेश का भी अनादर किया गया, और एक बार नहीं दो दो बार किया गया। और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यपाल महोदय ने कहा था कि मेरे अभिवादन के तत्पश्चात यदि कुछ सब सर्वप्रथम होगा तो सदन में आपको अपना नंबर प्रेजेंट करना है। लेकिन सरकार ने नहीं किया, और क्या बहाना बनाया सभापति जी ने, क्योंकि कोरोना वायरस यहां फैल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से सदन की कार्रवाई को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा हजारों लाखों बच्चे लिख रहे हैं, एक एक सेंटर में हजारों बच्चे होते हैं जो 3-3 घंटे तक बैठकर अपने एग्जामिनेशन लिखते हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं हो रहा? लेकिन कुछ माननीय विधायक यदि आएंगे सदन में 2-2.5 घंटे के लिए, उनको कोरोना वायरस का डर है। कोरोना नहीं, ये डरोना है। फिर कह रहा हूं, ये कोरोना नहीं डरोना है। सरकार डरी हुई, सरकार कैसे भी चाहती है कि अपनी सत्ता को बचाए रखे, और उसी के लिए सब किया जा रहा है। राज्यपाल के सांविधानिक जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है सांविधानिक, उसका अनादर हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है केवल कुर्सी के मुंह। और एक बात बताइए,
यदि आपके पास अंक है तो आप प्रूफ क्यों नहीं करते, और यदि अंक नहीं है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। देखिए, जो सरकार अल्पमत में होती है वह असंवैधानिक होती है, अनैतिक होती है, और इसके आगे मैं कहता हूं नाजायज सरकार होती है। मध्य प्रदेश में नाजायज सरकार चल रही है, डर व्याप्त है। भोपाल में दो बड़ी बड़ी अस्थायी जेलें बनाई जा रही है, किसके लिए बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? और उसके ऊपर चोरी और सीना चोरी किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश में देखे ताबड़तोड़ तरीके से अल्पमत की असंवैधानिक सरकार, नाजायज सरकार संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कर रही है, चाहे वह पीएससी के पद हो, चाहे वह महिला आयोग में शोभा ओझा को डाला गया हो, चाहे युवा आयोग में नियुक्ति की गई हो अध्यक्ष की, चाहे अपने पूर्व सांसद की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति आयोग में की गई हो, चाहे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग में की गई हो। ये जितने आयोग है सब जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जस्टिस के साथ खेलने वाली गवर्नमेंट जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ भी खेल रही है। हम सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, कल सुबह सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। मुझे अपेक्षा है कि सर्वोच्च न्यायालय यही कहेगा कि प्रूव योरसेल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो यह सरकार नाजायज सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पर गिर जाएगी।